हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है तो मैं आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में चार चैप्टर, क्लोक वाला, स्लोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मिरर एंड वोटर इमेज। इन चारों चैप्टर से आपके 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो इसे पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तीनों शिफ्ट का एनालिसिस भी कर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो भी डेली अपलोड कर रहा हूं। और देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट भी अवेलेबल करा दिया है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उन्हें परचेज करके ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। टोटल टेस्ट जो है वो 30 सीबीटी टेस्ट है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप किसी भी लैंग्वेज से हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। प्राइस इसके 149 है। 20% का डिस्काउंट लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, इस कोड को भर के आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 120 रुपीज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से, तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे दिया गया सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, सभी चीनी एशियावासी हैं। तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। तो आपने सबसे पहले एक एशियावासी का एक वेन डायग्राम बनाया, यानी कि गोला बनाया, और वो सभी के सभी एशियावासी बुद्धिमान हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन में बोला गया है सभी चीनी एशियावासी हैं। तो सभी चीनी एशियावासी कब हो सकते हैं भाई, जब एशियावासी के अंदर चीनी आएगा तभी तो सभी के सभी चीनी एशियावासी होंगे। यहाँ पे एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला सभी चीनी एशियावासी है, तो सभी के सभी चीनी एशियावासी ये बन गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बन गया, सभी चीनी एशियावासी है और सभी के सभी एशियावासी बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बनेगी। अब देखते हैं इसमें निष्कर्ष क्या क्या निकाले जा रहे हैं। कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, तो कुछ चीनी बुद्धिमान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी चीनी बुद्धिमान है। अब आप एक चीज मैं यहाँ पे समझाता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये चीनी किसके अंदर है, एशियावासी के अंदर है, और एशियावासी किसके अंदर है, ये बुद्धिमान के अंदर है। तो यहाँ पे जो एशियावासी है ना, सॉरी, ये बुद्धिमान है ना, ये बुद्धिमान के अंदर एशियावासी और एशियावासी के अंदर चीनी, तो यहाँ पे सभी के सभी चीनी बुद्धिमान है, तो कुछ चीनी भी बुद्धिमान हो सकते हैं। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले वाला, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे बोला सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, तो सभी जो चीनी है वो, यानी कि सभी बुद्धिमान चीनी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब इसके ऊपर को चीनी वाला वेन डायग्राम आपका आ जाएगा। यहाँ पे बोला सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, तो सभी बुद्धिमान चीनी कैसे हो सकते हैं, देखिए सभी के सभी बुद्धिमान के अंदर ऊपर को एक चीनी का डायग्राम बनेगा तब उस कंडीशन में, और चीनी का डायग्राम कहाँ पे है, ये अंदर है, तो ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, सभी बुद्धिमान चीनी नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये हट जाएगा। यहाँ पे बोला गया सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, तो ये वाली आपकी राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, सभी के सभी चीनी बुद्धिमान हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, और ये दोनों किसके अंदर है, ये बुद्धिमान के अंदर है, तो सभी के सभी चीनी बुद्धिमान हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसी के ही अंदर आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा ये वाली कंडीशन भी। तो यहाँ पे पहले वाली और सी वाली कंडीशन आपकी राइट हो जाएगी, और ये वाली आपकी हट जाएगी। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, ए और सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है, तो इसमें आपको ये बताना है पूर्ण अनुमान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे क्या 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 रीजन हो सकते हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है, यहाँ पे पूर्ण अनुमान क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है वो राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है, तो बिल्कुल सही ये वाला हो जाएगा, बिकॉज इसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है वो आवश्यकताओं के हिसाब से मतलब मैच ना कर रही हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम इसको इसलिए नीति चेंज करने का निर्णय लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है आपका वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनों की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तनों की जरूरत होगी तभी नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये दोनों राइट हो जाएंगे आपके। तो इस टाइप के आपके कथन और पूर्ण अनुमान और आपके स्टेटमेंट एजम्पशन स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी वाला, दोनों पूर्ण अनुमान फर्स्ट व सेकेंड अंतर्निहित है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकल है, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको कैसे करना है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, कथन यहाँ पे दिया जा रहा है उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं,
मतलब किसी दुकान की बात की जा रही है और उसमें बताया जा रहा है उस दुकान में अधिकांश ज़्यादातर पोशाकें महंगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर मैं बात करूँ एक दुकान है ठीक है, उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी है यानी कि ज़्यादातर पोशाकें महंगी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सस्ती भी होंगी ठीक है। ज़्यादातर यहाँ ये तो नहीं बोला ना कि सभी पोशाकें महंगी है, अगर सभी पोशाकें महंगी होती तो वो कंडीशन बिल्कुल अलग हो गई होती, यहाँ पे बोला अधिकांश पोशाकें महंगी है। तो देखते हैं इसमें निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं, मैं और उसके साथ में ही आपको समझाऊंगा ठीक है। उस दुकान में कुछ पोशाकें महंगी है, देखिए यहाँ पे बोला अधिकांश पोशाकें महंगी है तो कुछ वाले तो राइट हो ही जाएगा क्योंकि कुछ पोशाकें महंगी है। उस दुकान में सस्ती पोशाकें हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ थोड़ा समझने की कोशिश करिए, एक दुकान है और दुकान में आपकी 100% पोशाकें हैं, परसेंटेज के हिसाब से समझते हो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा, 100% पोशाकें हैं, 100% में से मान लीजिए अधिकांश यानी कि 90% पोशाकें आपकी महंगी है ठीक है, अधिकांश यानी कि 90, सभी तो नहीं बोला ना ठीक है, तो 10% आपकी क्या होगी सस्ती होगी। भाई पोशाकें तो दो ही कंडीशन में हो सकती है, तो महंगी होगी या सस्ती होगी या कोई इश्यू तीसरी कंडीशन भी होती है ठीक है, तीसरी कंडीशन नहीं होगी ना तो महंगी होगी या सस्ती होगी, तो इसका मतलब क्या होगा आपका उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी हैं इसका मतलब ठीक है ना। इसके पीछे देखिए कहीं पर यहाँ पर दिया नहीं गया सस्ती पोशाकें, बट आपको इसके पीछे रीजन मतलब निकाला आपने और इसमें यह भी निष्कर्ष सही हो जाएगा ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया उस दुकान में हैंडलूम की पोशाकें सस्ती हैं, देखिए हैंडलूम के बारे में बताया नहीं गया ना ठीक है ना, किसी के पर्टिकुलर मतलब वैरायटी के बारे में नहीं बताया गया, तो इसका मतलब ये तो हट जाएगा। नेक्स्ट है आपका डी, उस दुकान में सस्ती पोशाकें उपलब्ध नहीं है, तो इसके बारे में नहीं वाली कंडीशन नहीं बताई गई है या नहीं है, तो ये हम रीजन निकाल सकते हैं कि है क्योंकि इसमें अधिकांश बोला है, अगर यहाँ पे बोला जाता कि सभी पोशाकें महंगी है तो उस टाइम पे हम बोल सकते थे कि उस दुकान में सस्ती पोशाकें उपलब्ध नहीं है, तो ये वाला उस टाइम पे राइट होता, अभी राइट नहीं होगा, तो इसके मतलब है आपका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक है, अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन से, कथन और पूर्व धारणाएं। कथन यहाँ पे दिया गया है, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए यानी कि वित्तीय घाटे जो है उनको पूरा करने के लिए बिक्री करों को करों की दरों को बढ़ा दिया गया है ठीक है। तो यहाँ पे पूर्व धारणाएं क्या क्या है इसको पढ़ लेते हैं, वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका बिक्री कर की दरें को बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा तरीका, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अगर आपको वैसे भी नहीं पता है तो इस वर्ड से ही हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए कई तरीके के मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनसे हम वित्तीय घाटों को पूरा कर सकते हैं ठीक है ना, अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये सर्वोत्तम है ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा बोलेंगे वित्तीय घाटों को पूरा करने का मर्यादित तरीका बिक्री कर को की दरों को बढ़ाना है, तो ये वाला आपका जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला राइट होगा ठीक है भाई। तो यहाँ पे मर्यादित हो सकता है, सर्वोत्तम नहीं हो सकता है, तो आपका सेकंड वाला राइट होगा और इसका रीजन आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ठीक है। तो यहाँ पे अगर वित्तीय घाटों को पूरा करने की बात की जाती है, पहले तो बात तो हम अगर उस पर भी ना जाए तो यहाँ पे सर्वोत्तम का कोई मतलब नहीं होता है, सर्वोत्तम जैसे वर्ड का यूज यहाँ पे नहीं किया जा सकता है ठीक है, यहाँ पे मर्यादित वर्ड का ही यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, तो केवल आपका सेकंड वाला अंतर्निहित होगा यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन दोनों में फर्क तो कुछ नहीं था, आपको दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम थे पूरा का पूरा ठीक है, बस इस दो वर्ड से ही आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपको भी कुछ चीजें को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करना होगा ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, ये क्वेश्चन भी आपके मतलब लगातार पूछे जा रहे हैं, कभी पूछे जा रहे हैं कि मतलब गाजर आलू और सब्जी में क्या रिलेशन है, इस तरीके के कई क्वेश्चन है जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ मैं इसी में आपको बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि तीनों के बीच में रिलेशन सबसे पहले आपको देखना होगा कि तीनों चीज रिलेट करती हैं एक दूसरे से, बिल्कुल करती हैं, परिवार के अंदर पुत्र भी हो सकते हैं पुत्रियां भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब तीनों के तीनों ये रिलेट तो करते हैं, तो रिलेट करने वाले ही तीनों डायग्राम है, चलो ठीक है, ये तो इनमें से कोई डिस्कार्ड नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शंस को जो नहीं हो सकते हैं उनको हटाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका आंसर खुद पे खुद ही राइट आ जाएगा ठीक है। एक इसमें ये वाला भी होता है ठीक है, यानी कि तीनों अलग अलग, तो उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं अगर वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि परिवार पुत्रों और पुत्रियां, इनमें से कोई सा ऐसा है यानी कि कुछ पुत्र पुत्रियां हो सकती हैं और कुछ पुत्र
पुत्रियां पुत्र हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। जो पुत्र है वो पुत्री रहेगा, जो पुत्री है वो पुत्री रहेगा, दोनों का जेंडर अलग अलग है, तो यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन नहीं हो सकती है। तो किस किस में कुछ वाली कंडीशन? इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। तो ये तीनों तो सीधे सीधे कट ही गए ना। आप खुद सोच सकते हैं कि कोई पुत्र पुत्री हो सकती है, नहीं हो सकती। पुत्र पुत्र रहेगा और पुत्री पुत्री रहेगी, ठीक है। बॉय और गर्ल दोनों अलग अलग चीज होगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ वाली कंडीशन इनमें तीनों में बताई जा रही है। इसमें अंदर दोनों के बीच में कुछ वाली कंडीशन है, और इसमें तो यहाँ पे सम वाली कंडीशन तीनों में ही है, यानी कि कुछ वाली कंडीशन तीनों में है। तो ये तीनों हट जाएंगे, तो राइट आंसर ये बचेगा। इसका पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? परिवार के अंदर पुत्र होता है, पुत्री होती है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जाता है, जैसे एक मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, सब्जी गाजर आलू या कुछ भी इस तरीके का दिया जाता है, तो उसमें भी आपका यही वाला राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे दे दिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 15 वीडियो की मैंने आपको जो रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड कराई थी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, क्रैश कोर्स, वो पूरा देख लेना है। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कुछ मैंने यहाँ पे भी अपलोड कर रखे हैं अनअकैडमी पे। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी को। और वहाँ पे देखिए बहुत सारे कोर्सेज मैंने स्पेशली ग्रुप डी वालों के लिए जो बनाए हैं, उनको देखना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी। तो इस काम को तो अभी नहीं करना है, मतलब वीडियो को देखने के बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दयालु प्राणी देवदूत हैं, कुछ दो जो दयालु प्राणी हैं वो देवदूत हैं, और यहाँ पे बोला है सभी चिकित्सक देवदूत हैं। तो देखते हैं इसका क्या वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे कुछ दयालु प्राणी देवदूत हैं, तो आपने सबसे पहले दयालु प्राणी का एक गोला बनाया और उसमें दयालु प्राणी लिख लिया, और कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, आपने कुछ इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो ये कुछ वाली कंडीशन अगर आप कहीं पे किसी को इतना सा भी टच कर देते हैं, वो भी कुछ वाली कंडीशन है, और इतना सा आपको पूरे वेन डायग्राम में आधे में भी कट कर देते हैं, उसमें भी कुछ वाली कंडीशन है। अगर आपको कुछ इस तरीके से भी वेन डायग्राम बना दिया जाए, तो ये आपका बाहर तो बस थोड़ा ही बचा ना, तो ये वाली भी कुछ वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है सभी चिकित्सक देवदूत है। यहाँ पे क्या बोला गया नेक्स्ट लाइन में, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे बोला गया है सभी चिकित्सक देवदूत हैं, ठीक है। तो सभी चिकित्सक देवदूत कब हो सकते हैं, जब चिकित्सक किसके अंदर आ जाएंगे, देवदूत के, ठीक है। तो सभी के सभी चिकित्सक देवदूत बन गए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है। यहाँ पे सबसे पहला निष्कर्ष है, कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक है। तो कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक हैं, तो देखिए पहली तो बात, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, और फिर भी ये कुछ दयालु जो है वो चिकित्सक नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो दयालु और प्राणी, यानी कि दयालु और देवदूत के बीच में ही रिलेशन है, और यहाँ पे चिकित्सक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पहले वाला तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे। कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी हैं, कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी हैं, तो दूसरे वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ दयालु चिकित्सक है, और ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन आपके हट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दयालु और चिकित्सक के बीच में कोई आपका रिलेशन ही नहीं बताया गया पूरे के पूरे आपके इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन दोनों के दोनों क्वेश्चन में से हम हटा देंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका निष्कर्ष वन और निष्कर्ष टू कोई भी लागू नहीं होता है, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो आपको वहां पे भी इसी तरीके से थोड़ी सूझबूझ के साथ में क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, आकृति यहाँ पे दी गई है, आपको इसकी क्या बतानी है, वोटर इमेज, या फिर आप देखिए वोटर इमेज और आपका मिरर इमेज दो चैप्टर नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से सोचेंगे तो नहीं लगेगा। बस आपको ये देखना है कि मिरर रखा कहाँ पे है, ठीक है। मिरर अगर यहाँ पे रखा है तो बस ये मिरर, ये वोटर इमेज हो गया। मिरर यहाँ पे रखा है तो ये आपकी मिरर इमेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी रखो, एक इतनी अच्छी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता ना, एक बार समझ गए तो। आपने क्या देखा, ये पूरा कप रखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे आपको बताना है ये वोटर इमेज इसकी बतानी है, ठीक है। तो इसमें आपको बस एक ही चीज देखनी है, एक तो मैं आपको बता दूं किसी भी इमेज में उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर डायरेक्शन में ये वाला जो पकड़ने वाला कप का ये वाला हिस्सा इस साइड में है तो इस साइड में ही रहेगा, दूसरी साइड ये घूम के इस साइड में नहीं आ जाएगा, ठीक है। और आपकी यही कॉन्सेप्ट आपका मिरर इमेज में होता है, अगर किसी भी मिरर में आपका कोई भी कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी ये नहीं कि ऊपर को हो गया वो नीचे को हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम उनको हटा देंगे जिसमें कुछ ऐसा हो रखा है। कब कैसे रखा है, ऐसे, इसमें भी ऐसे रखा है, इसको हटा देंगे। ये इसमें इसका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में पहुंचा दिया, इसको भी हटा देंगे, बचिए दो।
अब आपका एक चीज ध्यान रखनी है, जो पोर्शन यहाँ पे आप समझिए कि शीशा रखा है, ठीक है, ये मिरर रखा है आपका, इसके पास में है, इसके पास में कौन सा इसकी तली है, कप की तली किसके पास में है, मिरर के पास में, यानी कि इस पानी के पास में बोल सकते हैं यार, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो इसके पास में है, तो अब ये नीचे भी इसके पास में ही होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका कप बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका कप हो गया, यानी कि सॉरी, ये मैंने आपको तली ऊपर, तली का ये वाला हिस्सा बनेगा आपका, ठीक है, इस तरीके से, भाई ड्राइंग थोड़ी बेकार है, इस तरीके से आपका ये बन के आएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो जो टुंटी है ये वाली, इधर को ये इधर नहीं जानी चाहिए, इधर ही रहनी चाहिए, तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। भाई ये थोड़ा सा कप वाला हो गया, तो शायद आपकी समझ में ना आया हो, बट मैं एक बार और कोशिश करूंगा आपको समझाने की। जो पोर्शन आपका इसके पास में है, ये जो यहाँ पे रखा है ना, जो पानी है, चाहे आप इसको वाटर बोले चाहे इसको मिरर बोले, जो पोर्शन इसके पास में है, तो पास में तली है तो नीचे भी तली होनी चाहिए, तो तली किस में है, इसमें, और इसमें इसके पास में है, ठीक है, बिल्कुल सही है, दो आंसर हमें मिल गए। अब इसमें से भी आपको ढूंढना पड़ेगा राइट कौन सा है। राइट आपका वो होगा, इसका फेस इधर को रहेगा जो इसके पकड़ने वाला हिस्सा है, और इसका फेस इधर को घूम गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं पहले भी, सेपरेट चैप्टर भी अपलोड कर रखे हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है, कुछ भी कोई भी वर्ड लिख लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए बी, सॉरी बी और सी, तो यहाँ पे सी किसके पास में है, ये आपका मिरर के पास में सी है ना, तो इधर को सी लिखिए, और जो हिस्सा इसके, इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिरर के पास में सी का कौन सा हिस्सा, खुला हुआ हिस्सा है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। बी आपका जो है, बी अगर मैं देखूं मिरर के कौन सी डायरेक्शन, मतलब ये वाला हिस्सा है या ये वाला, जिस डायरेक्शन में बी बना हुआ है, ये वाला है ना, तो इधर को भी आपको ये बी इस तरीके से बना है, ए को तो किधर से भी बना दो, तो ये इसकी हो जाएगी आपकी क्या, मिरर इमेज। तो इस तरीके से कुछ भी पूछ रहे, लाइट लिख दे या कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड लिख दे, कुछ भी लिख ले, आपको बस ऐसे ही करना होगा कि मिरर के पास में जो चीज, उसको पास में रखना है, और उसकी डायरेक्शन को भी वैसे ही रखना है। अगर मिरर के पास में सी रखा हुआ है और सी का जो फेस है वो खुला हुआ, जो सी का एक तो है ये बंद वाला, एक खुला हुआ है, खुला हुआ मिरर की साइड में है, तो मिरर की साइड में खुला हुआ ही होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा मिरर, और ये आपका इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक बार मैं कैलेंडर का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है, और उसमें ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, उस ट्रिक को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कोड नहीं पता है। तो ट्रायंगल में आपका दो तरीके के होते हैं, एक तो जर्नल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, ठीक है। जर्नल ईयर आप में आपका 365 डेज होते हैं, और ये चार से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, जो जर्नल ईयर होगा वो चार से डिवाइड नहीं होगा। और हम लीप ईयर का कैसे पता लगाते हैं, उसको चार से डिवाइड करके देखते हैं, अगर वो चार से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, और अदरवाइज वो जर्नल ईयर है, ठीक है। इतना ही तो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी तक, तो बस आपको इतना ही सीखना है, कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है, ठीक है। जर्नल और लीप ईयर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक चीज़ को ध्यान रखना है, आपका लीप ईयर में दो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, और आपका जर्नल ईयर में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा डेज होते हैं, क्योंकि इसका भी यूज होगा, ठीक है। अगर सेंचुरी ईयर हो गया, ठीक है, सेंचुरी ईयर मतलब कि 2000 2000 2100, ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको सेंचुरी ईयर दिए हुए हैं, उसमें आपको पता लगाना है कि ये लीप ईयर है नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको चार से डिवाइड करेंगे तो ये चार से डिवाइड हो जाएगा, 2000 अगर आपका लिखा है, अगर हम उसको चार से डिवाइड करेंगे तो वो चार से डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे सॉरी, और ये 400 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपको जो सेंचुरी ईयर होंगे, ठीक है, उनको आपको 400 से डिवाइड करके देखना, अगर ये 400 से डिवाइड होते हैं तो ये लीप ईयर है, अगर ये 400 से डिवाइड नहीं होते हैं तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सेंचुरी ईयर कौन से हो गए, जैसे 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, ये आपके सेंचुरी ईयर होते हैं, ठीक है, जिनमें आपके 100 मतलब 00 आ जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 400 से डिवाइड करके देखना, अगर होता है तो लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो आपका वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नॉन सेंचुरी ईयर आपके जैसे 2007, 2008, 2009 इस तरीके से होते हैं, ये आपके चार से ही डिवाइड करके देखने होते हैं आपको, अगर चार से डिवाइड होते हैं तो लीप ईयर है, अगर नहीं होते हैं तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, अभी इतना ही काफ़ी है। अब सीधा आते हैं ट्रिक पे, ठीक है। ट्रिक ये मैं आपको करा ही रहा हूँ डेली क्वेश्चन, इस ट्रिक को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर और नॉन लीप ईयर, सॉरी नंबर ऑफ लीप ईयर, ठीक है, ये आपको यूज करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे जितने भी 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा वही आपका एक्स्ट्रा मतलब आप काउंट कर लेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है जैसे कई क्वेश्चन में कि 26 जनवरी 2017 को आपका मंडे है,
तो आपका 2018 में 26 जनवरी को 26 जनवरी 2018 में क्या होगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है, तो एक डे एक्स्ट्रा होता है, आप सभी को पता है, ठीक है, जनरल ईयर में। तो आपको बस एक डे आगे बढ़ा देना है, अगर लीप ईयर होगा तो 2 डे आगे बढ़ा देना है। अगर बीच में आपका बहुत सारे ईयर आ गए हैं तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि 2017 में 26 जनवरी 2017 में आपका मंडे था और 26 जनवरी 2022 में क्या होगा, तो आपको वहां पे क्या करना है, डेट, मंथ, ईयर और नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालना है, मैंने आपको बता दिया 4 से और 400 से डिवाइड करके। ईयर आपका जितने भी दे रखे होंगे, जैसे अभी आपका 22 दे दिया तो आपको वहां पे लास्ट के 100 ले लेने हैं, 100 122, ठीक है। मंथ आपका जो भी दिया होगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला 26 जनवरी तो आपको यहाँ पे जनवरी यानी कि मंथ का कोड देख लीजिए, जनवरी का 0 है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है, इन कोड को आपको याद रखना है, ठीक है। जो मंथ का कोड यहाँ पे लिखना है, मंथ नहीं लिखना है कि मंथ आपका कौन सा है। फरवरी के लिए आपका 3 कोड यूज होता है, मार्च के लिए आपका 3 होता है, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, तो ये कोड आप एक बार रट लीजिए, ठीक है, एक मोबाइल नंबर समझ के इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे मंथ की जगह आपको ये कोड रखने होता है, डेट आपकी जो भी होगी, ठीक है, जैसे 26 जनवरी दे दिया, जो भी डेट होगी वो डेट रखनी है, मंथ जो भी होगा उसका कोड रखना है, ईयर जो भी होगा ईयर रखना है, और नंबर ऑफ लीप ईयर जो भी होगा वो नंबर ऑफ लीप ईयर निकाल के आपको इन सभी को 7 से डिवाइड कर देना है। जो भी रिमाइंडर बचेगा डिवाइड, अगर कंप्लीट होता है 0 आता है तो आपका आंसर होगा संडे, अगर 1 बचा तो मंडे, 2 बचा तो ट्यूसडे, इसी तरीके से आपका आंसर्स बनते चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, अगर आपको ये पसंद आई है तो आपने लाइक तो और शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और शाम तक मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप सारी वीडियो देखते रहिएगा और प्रिपरेशन करते रहिएगा। कल फिर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, पूरे दिन का एनालिसिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। और इनकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को डाउनलोड करके वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहिए, सारी वीडियोस जो क्रैश कोर्स मैंने बनाया 15-15 वीडियोस वाला, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उनको सबको देख लीजिए, पूरी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑल दी बेस्ट जिनका कल एग्जाम है और आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से एग्जाम देके आइए, ठीक है। और बस लाइक शेयर करते रहिए, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।